अरे आराम से मनीष भाई, आराम से। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगाती हो? कितनी बार कहा है, घंटी बजते दरवाजा खोल जाना चाहिए। अच्छा, नौकर हो तुम्हारी कि तुम्हारा इंतजार करती फिरो? घंटी बजाओ, यहाँ पे खड़ी रहो दरवाजा खोलने के लिए। तुम जबान लड़ाती मुझसे? अभी तुझे बताता हूँ। अरे अरे, क्या कर रहे हो मनीष भाई? आराम से, आज के दिन तो भाभी से मत झगड़ो। हाँ, चलो वहां शांति से बैठो, चलो आराम से, चलो। अरे यार, आज बहुत खुशी का दिन है ना भाभी जी? इन्होंने क्या तीर मार लिया इतना बड़ा, तो आज खुशी का दिन है? अरे तीर ही तो मारा है मनीष भाई ने, सुपरवाइजर बन गए कंपनी के और तनख्वाह भी दुगनी। है कि नहीं खुशी की बात? नहीं भाई, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अब कड़े कड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर बर्फ लेकर आओ। आज सुपरवाइजर बनने की खुशी में पूरी रात पीऊंगा। जहर ना ला दो, थोड़ी खुशी मुझे भी मिल जाएगी। बर्फ चाहिए? अरे जहर तू खा लेना, अरे ताकि मुझे शांति मिल जाए। अजीब हो रहा था। अरे मनीष भाई, शांति से पीने भी नहीं देती है। थूक दो ना गुस्सा। ऐसा करते हैं, तुम पैक बनाओ और मैं जाके बर्फ लेके आता हूँ। चीयर्स। चीयर्स भाई। बॉटम सब? हाँ, आयत बहुत होगी। अरे कहाँ हुई है? अरे नहीं भाई, एक और पियेंगे। अरे भाई नहीं, अब नहीं। अरे अरे खत्म करो मनीष भाई। अरे भाई, अरे खुशी का दिन है, तनख्वाह दुगनी। मनीष भाई, कंपनी का सुपरवाइजर मुझे बनना था, पर गलती से तुम जैसे बेवकूफ को सुपरवाइजर बना दिया गया। कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। आने में इतनी देर क्यों करती? कहीं इस शराबी के साथ शराब पी के तुम भी तो बेहोश नहीं हो गए थे? अजी, किसी शराब में इतना नशा कहाँ जो मुझे तुम्हारे पास आने से रोक सके। तुम्हें पता है नागेश, अच्छा हुआ तुम मेरी जिंदगी में आ गए। देखो तुमने कैसे चिल्ला रहा था वो जानवरों की तरह। इसने तो मेरी जिंदगी नर्क बना के रखी। जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हमारे प्यार करने का समय शुरू हो चुका है। पापा, ओफो, पापा उठिए, उठिए, उठिए पापा, आंखें खोलिए। बेटा रवि, तू आ गया? हाँ पापा, हम आपसे कितनी बार कहे हैं कि इतनी दारू मत पिया कीजिए। बेटा, आज बड़ी खुशी का दिन है, तेरा पापा ना सुपरवाइजर बन गया, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे वाह पापा, आपने इतने साल जो दिए कंपनी को, इस साल तो आपको सुपरवाइजर बनना ही था। लेकिन पापा चलिए अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए, चलिए ना। चलिए अंदर चलिए। चलो बेटा, चलो बेटा। दरवाजा खोलिए मां। नहीं, दरवाजा खोलिए मां। इधर आओ। दरवाजा खोलिए मां। आप आई?
मेरी मामा। क्या जरूरत थी इस शराबी को रूम में लाने की? पड़े रहने देना था ना इसे घर से बाहर। अगर पापा शराब पीते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इनको कहीं भी पड़ा रहने दिया जाए। भले ही आपको इनकी फिक्र ना हो, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं। बार बार इस बात का एहसास मत दिलाया कीजिए कि आप मेरी सौतेली माँ हैं। आप वो हवा से गिर गया होगा, मैं देख लूंगी। जैसा बाप वैसा बेटा, सीधे वो बात ही नहीं करता। किसी दिन इसे भी देख लूंगी। अरे छोड़ो ना इन बाप बेटों को, चलो हम हमारा काम शुरू करते हैं। हेलो, टीएच एंटरप्राइजेस सर, आपकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए कब आ सकता हूँ? ठीक है सर, मैं कल आ जाता हूँ। थैंक यू। अरे कहाँ जाने की तैयारी चल रही है रवि बेटा? पापा वो एक दो जगह पे इंटरव्यू देने जाना है, उसी के बारे में बात कर रहा था। कल ही तो इंटरव्यू के लिए तू गया था, ये रोज रोज नौकरी के लिए क्यों परेशान हो रहा है? अभी मैं कमा रहा हूँ ना, तुझे नौकरी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों क्यों ना करे चिंता? तुम तो अपने महीने की आधी तनख्वाह शराब में उड़ा देते हो। अगर अभी नौकरी करना चाहता है तो क्यों नहीं करने दे रहे? देखो सीमा, तुम हम बाप बेटे के बीच में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्यों क्यों ना बोलूं मैं? इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर ये चार पैसे कमाएगा तो कम से कम तुम्हारे सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे पैसों के लिए। और वैसे भी इस उम्र में क्या मुझकी रोटियां तोड़ेगा घर बैठ के? ऐसी नौबत नहीं आएगी माँ, इंटरव्यूज दे रहा हूँ मैं और जल्दी कोई अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेट हो रहे हैं पापा, चलते हैं। रवि बेटा, पड़ गई ने कलेजे में ठंडक। ये रोज नौकरी का ताना देकर तूने मेरे बेटे का जीना हराम कर दिया। अरे एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी तो कम से कम एक अच्छी माँ बन जाती। तुम कब तक सौतेले से व्यवहार करोगी मेरे बेटे के साथ? ओहो, इसको क्या हो गया? इस शावर क्यों नहीं ऑन हो रहा है? तुमसे मिलने का मन था इसलिए चला आया, और शायद बिल्कुल सही समय पर आया हूँ, है ना? जी नहीं, बिल्कुल सही समय पर नहीं आया हूँ। मैं नहाने आई थी और देखो शावर ही नहीं ऑन हो रहा। ठीक है, अभी ऑन कर देते हैं। रवि, तुम कब अपने पापा से बात करोगे शादी की? तुम्हारे बगैर नहीं रह जाता। दूर तो मुझसे भी नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। हाँ लेकिन नौकरी मिलते ही मैं अपने पापा से हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगा। सच्ची? और देखना, तब हम दोनों शादी भी कर लेंगे। तो ठीक है, जिस दिन तुम अपने पापा से बात करोगे ना उसी दिन मैं भी बात करूंगी हमारी शादी की।
रीमा, रीमा, अरे जल्दी आना। मशीन नहीं तो सब कुछ जल्दी जल्दी होगा। लो ठूस लो पकौड़े और सारी रात पीते रहना। और हाँ, कुछ खाना होगा ना तो किचन में अपने आप बना लेना, मुझे तंग मत करना। समझ में आया? अरे सुनो तो मेरी जान। छोड़ो। किधर जा रही हो? छोड़ो। अरे बैठ जा। ये क्या कर रहे हो? अरे जा किधर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे आ जा मेरे पास। अरे आ जा। अरे आ जा मेरे पास। इधर आओ मेरी जान। कहाँ जा रही हो? अरे आ जा ना मेरी जान। अरे सुनो ना, याद भी करने नहीं देती। आज तक मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। रुको, रुक। खबरदार अगर मुझे हाथ लगा। रुक, तूने अपने पति को थप्पड़ मारा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुको। अरे सर दर्द से फटा जा रहा है, अच्छी सी चाय मिल जाती तो सारा दर्द दूर हो जाता। अरे कोई है जो चाय पिला दे? टिंग टिंग। अरे बेटा तुझे कैसे पता मुझे चाय की जरूरत है? पापा, वो बेटा ही क्या जो अपने पापा की मन की बात ना समझ सके। सुबह सुबह आपको देखा तो मुझे पता चल गया कि आपके सर में दर्द हो रहा है, इसलिए स्पेशल आपके लिए अदरक और इलायची वाली चाय बनाई है। अरे वाह, वैसे भी तेरे हाथ की चाय मुझे पिए बहुत दिन हो गए। तुम भी लो। हाँ। अरे वाह, बहुत ही अच्छी चाय तुमने बनाई है। दोनों बाप बेटा ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि जग जीत लिया हो। शराबी बाप का बेवकूफ बेटा। तुम, अगर तुमने इस वक्त किसी ने यहाँ पे देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। कोई नहीं आएगा मेरी जान। मनीष, तुम्हारा वो शराबी पति ऑफिस में बैठा है और तुम्हारा बेटा नौकरी की तलाश में बाहर गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम दोनों को डिस्टर्ब करने में कोई नहीं आएगा। हाँ शर्मा जी, वो जल्दबाजी में आज फाइल लाना भूल गया था। मीटिंग शुरू होने से पहले मैं फाइल लेकर ऑफिस पहुंच जाऊंगा। बस यहाँ से 5 मिनट में मैं निकलने वाला हूँ। हाँ फाइल लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ। सीमा किचन में फंसा से किससे बातें कर रही है? इतनी नीच हरकत करते हुए? नहीं मनीष भाई, मैं समझाता हूँ। धोखा दिया तूने मुझे। बिल्कुल। छोड़ दे। चुराओ मत। प्यार करती हूँ उससे। नागेश की कोई गलती नहीं है इसमें। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। जो खुशी तुम मुझे जिंदगी भर नहीं दे पाए ना, वो नागेश ने मुझे दी। मेरी पीठ पीछे मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया तुमने। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
मनीष भाई देख दो उसे, उसे नहीं, मनीष उसे कुछ मत करना, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं इतनी नीच हरकत करती हूँ जो शर्म नहीं है, नहीं छोड़ूंगा किसी को, मनीष भाई मत, नहीं नहीं मार दूंगा तुझे, नहीं मनीष भाई मैं तो मत, तुम्हारा दोस्त हूँ। पता है आज यहाँ पर मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, वहां पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। सच? हाँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तुम्हें ये नौकरी मिल जाए। और पता है नौकरी मिलते ही मैं पापा से बात करूंगा हमारी शादी के बारे में। सच में रवि, आई लव यू। पता नहीं मनीष क्या करेगा, इसको सब पता चल चुका है, जहां तक मैं जानती हूं ना ये मुझे घर से निकाल देगा। अगर इसने रवि को सब बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अगर पता होता ना ये आदमी ऐसा करेगा तो इसके खाने में जहर मिला देती। ये वो शीशी है मेरी जान जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मतलब ये कि ये वो जहर है जिसे हम उसकी शराब में मिला देंगे, उसके बाद उसकी हालत खस्ता हो जाएगी और इतनी खराब हो जाएगी फिर हम उसे ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां से वो वापिस ना सके, उसके बाद हम एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए। उस नागेश ने मेरी बीबी पर हाथ डाला, दोस्ती के नाम पर पीठ पर चाकू मारा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या बोलूं? पर मैं अब चुप नहीं बैठने वाला। नागेश हो या मेरी बीबी, इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, सबक सिखा कर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस बर्फ को भी अभी खत्म होना था। एक बात बोलूं, हाँ तुम्हारी हालत की जिम्मेदार ना ये है।
ये दवाई तुम्हें पता है? मैंने ये दवाई ना तुम्हारी शराब की बोतल में मिलाई। अब ना तड़प तड़प के ना मर जाओ। पापा मुझे नौकरी मिल गई। देखो ना मनीष को क्या हुआ। पापा आपकी तबीयत को क्या हुआ? तुम्हारी पता नहीं उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। कुछ करो सीमा। अरे मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ, मनीष मनीष डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा। बहुत चिंता हो रही है मुझे, इनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। तुम ऐसा करो तुम जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। ठीक है मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। रवि बेटा रुको, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। सुनो बेटा सुनो बेटा। हाँ पापा। बैठो। कौन सी जरूरी बात पापा? बोलो पापा क्या है वो जरूरी बात? कहीं ये रवि को पूरी सच्चाई ना बता दे कि इसकी तबीयत खराब होने के पीछे मेरा हाथ है, और नागेश और मेरे रिश्ते के बारे में भी ना बता दे। ये भगवान मुझे कुछ करना होगा, मुझे इसे रोकना होगा, रोकना होगा। सीमा सीमा रवि इधर आओ। ये टाइम बातें करने का नहीं है। देखो तुम्हारे पापा की तबीयत बिगड़ती जा रही है, तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टर को लेके आओ। आप पापा का ख्याल रखना। हाँ। पापा मैं बेटा सुनो, ऐसे टाइम पे ना किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। वो ऐसा करो अपने नागेश चाचा उनको फोन करके यहाँ पे आने को बोलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ फोन करो। हेलो नागेश चाचा, पापा की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से घर आ जाइए, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। हाँ माँ चाचा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप पापा का ख्याल रखिएगा। हाँ। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ठीक है। देखिए मेरे पापा को क्या हो गया है। ये आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटा तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक जोर का झटका और उनकी सांस उखड़ गई। पापा पापा उठिए, पापा पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पापा 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 मनीष तो गया, अब हमारे बीच में और कोई नहीं है, हम आजाद हैं। मनीष चला नहीं गया बल्कि हमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया है। तुम यहां कैसे? निकल जाओ यहां से। क्या सोचते तुम दोनों बचाओगे? आने दो मेरे बेटे को, मैं तुम दोनों की सारी सच्चाई तुम दोनों की बता दूंगा। मैं सच्चाई तो तब बताओगे ना मेरे भाई जब तुम जिंदा बचोगे। तुम्हारा ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता है। जो ना तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दो। <आ,
बस एक बार ये मामला शांत हो जाए उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। क्या बात है सीमा, तुम कुछ परेशान लग रही हो? राकेश, मनीष तो चला गया पर उसका बेटा भी जिंदा है जो कि अपनी बाप की तरह है। मुझे बस डर इस बात का है कि हमारी शादी को लेकर कहीं वो हंगामा ना कर दे। सीमा, तुम उसके बारे में मत सोचो, मैं रवि से बात करूंगा। मैं कहूंगा उससे कि मनीष जाने के बाद तुम लोगों को किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है, तो वो सहारा मैं क्यों ना बन जाऊं, क्या दिक्कत है? आई होप वो हमारी बात समझ जाएगा। सच कह रहे हो, तुम मेरी जिंदगी में हो ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं। तो अगर कोई टेंशन नहीं है तो क्यों ना कुछ रोमांस किया जाए? देखिए आप अपने आप को संभालिए, हम सब संभालेंगे। पंडित जी ने बुलाया है, पापा की शांति पूजा का समय हो गया है। चलो अनिता, जब पापा को अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहा तो उससे पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ रवि, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अनिता, पापा के चले जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया और मुझसे अभी अकेलापन सहन नहीं होता। अनिता, हम कल ही अपने घर वालों से शादी की बात कर लेते हैं। हाँ वाह नागेश वाह, क्या खेल खेला है तुमने, एक तीर और दो निशाने। उस मनीष को हटा के तेरे दो फायदे हुए, एक तो उस कंपनी का सुपरवाइजर मैं बनूंगा और दूसरा उसकी पत्नी सीमा अब मेरी पत्नी बनेगी। आप करूंगा उससे मैं शादी और बनाऊंगा अपनी धर्म पत्नी। अब ये अकेली की जिंदगी अब नहीं जी जाती ना, परफेक्ट लाइफ विथ परफेक्ट वाइफ। चीयर्स नागेश, चीयर्स। ये क्या कह रहे हो, तुम और अनीता एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे और अनीता के रिश्ते से, और आखिर ये शादी क्यों नहीं हो सकती? मैं बस वो जान नहीं बता सकता, तुम रवि के साथ शादी नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे, दैट्स ऑल। लेकिन पापा, मैं रवि से शादी क्यों नहीं कर सकती, क्यों? हम लोग बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं,
और अभी तो रवि को एक अच्छी जॉब मिल गई है, फिर इसमें बुराई क्या है पापा? मैंने एक बार बोल दिया शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी, और इस घर में इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। पापा बात तो सुनो मेरी, पापा बात तो सुनो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस शादी के खिलाफ हैं। मैंने अनीता से शादी करने का फैसला कर लिया है और मैं इस फैसले को बदल नहीं सकता। रवि, रवि! मुझे पता नहीं था कि अनीता और रवि एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे तो लगा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और जब हमने शादी करने का फैसला लिया तो इनके सर पे शादी करने का भूत सवार हो गया। नागेश, एक बात तो जान लो, अगर हम दोनों को शादी करनी है तो इन दोनों की शादी संभव नहीं। हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को हम पे शक ना हो कि हम इनकी शादी के खिलाफ क्यों हैं। देखो अनीता को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन रवि को समझाना थोड़ा मुश्किल है। सही कह रहे हो कि रवि बहुत ही जिद्दी लड़का है। ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। समझाने के बावजूद भी तुम लोगों ने शादी कर ली। कौन जाता है अपने मां बाप के खिलाफ? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा नागेश चाचा। हम लोगों ने वही किया है जो हमें करना चाहिए। तुम तो चुप ही रहो रवि। तुमने बहकाया है मेरी बेटी को। तुम चले यहां से। नागेश जी सुनिए ना, आइए। अरे हेलो, मुझे आपसे बात करनी है। आइए ना प्लीज। हमें दिमाग से काम लेना होगा। ऐसा कुछ मत करना कि रवि को हम पर शक हो जाए। बस कुछ ऐसा सोचो, ऐसा क्या बहाना बनाए कि इन्हें लगे कि हम सच कह रहे हैं कि हम इनकी शादी के खिलाफ हैं। तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं इस शादी के खिलाफ इसलिए था क्योंकि अनीता की कुंडली में मंगल दोष है। उसका निवारण जब तक नहीं हो जाता ना, तब तक उसकी शादी नहीं की जा सकती थी। मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी कुंडली में कोई दोष है। बेटा सच बात तो यह है कि मैंने ये बात तुमसे छुपा के रखी थी। समझने की कोशिश करो नागेश चाचा। अनीता की मांगली कुंडली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं और अनीता हमेशा खुश रहेंगे। चलिए ठीक है, मैं बहू के स्वागत के लिए आरती का थाल लाती हूँ। दोनों थक गए होगे, जाके आराम करो। अरे नहीं, बस ठीक। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप दोनों आ जाइए, चलो। अनीता,
अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो और अब शायद मेरी जिंदगी का अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो जाए। आज हमारी सुहागरात है और मैं चाहता हूं कि हमारी सुहागरात हमेशा के लिए यादगार बन जाए। ये नागेश चाचा यहाँ पर क्या कर रहे हैं इतनी रात को और ऐसे छुपते हुए क्यों जा रहे हैं? कब तक अपना मुंह ऐसे लटका कर बैठोगे? तुम्हारे बेटे रवि ने मेरी बेटी के साथ शादी करके हमारी सारी खुशियों में आग लगा दी। मेरा बेटा नहीं है रवि, सौतेली माँ हूँ उसकी। बड़ी मुश्किल से उस रात को रवि के बाप को हमने अपने रास्ते से हटा दिया था ताकि उसकी मौत के बाद हम एक हो सके, पर उसकी जिद ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। रवि ने जो करना था उसने किया, पर उसके लिए हम अपना मूड क्यों खराब करें? जिन लोगों ने मेरे पापा की हत्या की है को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे यहां पे ताला किसने लगाया? जब मैं आया था तब तो ताला नहीं था, तो अब किसने लगाया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ताला तुमने लगाया ताकि मैं यहां से तुम्हें छोड़ कर ना जा सकूं? ऐसा बिल्कुल नहीं। अब जल्दी चलो नहीं तो कोई आ जाएगा। चलो रवि बेटा, नागेश जी को ना उनकी बेटी अनीता की बहुत याद आ रही थी, उसको मिलना चाहते थे। मैं ही इनको कह रही थी कि आज तो उनकी सुहागरात होगी, उनको डिस्टर्ब मत करो। तो बस वही बात। ये हमें ऐसे घूर के क्यों देख रहा है? चलते निकलो यहाँ से। ये पता नहीं ताला किसने लगा दिया यहाँ पे। हाँ। मैं तो जा रहा था। हाँ, मैंने लगाया है ताला। तुमने ताला क्यों लगाया है? जिन लोगों ने मेरे पापा की हत्या की है
उनके पापाओं का यहाँ पर हिसाब होगा, इसलिए लगा दिया ताला। चलो बताओ क्यों मारा मेरे पापा को? नहीं, जवाब दो। रवि, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मेरी बात सुन। सिमा, खबरदार जो मुझे बेटा कहा। रवि, और तुम? क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया, बोल। कुछ नहीं किया मैं कह रहा। जवाब दे। लग जाएगी रवि बेटा, लग जाएगी। बोल। मैं कह रहा हूं लग जाएगी। बोल। ए! तुरह आखिरी बार पूछ रहा हूं, जवाब दे, जवाब दे। सब बता दो, सब बता दो। मेरा और तुम्हारी मां का संबंध था और हमारे रिश्ते की बात मनीष भाई को पता चल गई, उसकी वजह से हमें उसे रास्ते से हटाना था, तो हमने उसके शराब में गोलियां मिला दी, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई। और उस रात जिस दिन तुम डॉक्टर को लेने गए थे, उस दिन मैंने और सीमा ने मिलकर उसे मार डाला। उससे मुझे दो फायदे थे, एक तो सीमा मेरी पत्नी बन जाती और दूसरा ये कि उस कंपनी का सुपरवाइजर बना दिया जाता। लेकिन ए रवि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे माफ कर दे, मेरा इरादा वो नहीं था। ठीक है, माफ किया तुमको। पापा आगे बोलो, पापा 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 उठो, उठो पापा। तुमने क्यों मेरे पापा को मारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? क्या गलती थी मेरे पापा की? तुम्हारे पापा को उनके पापाओं की सजा मिली है, बदला लिया है मैंने उनसे। पुलिस, अब जल्दी आ जाइए। तुम्हारे पापा एक शराबी आदमी थे और एक शराबी आदमी के लिए तुमने मेरे पापा की हत्या कर दी। चुप करो अनीता, इसके बाद एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। क्या कर लोगे तुम? क्या बिगाड़ लोगे तुम? एक बार नहीं, हजार बार बोलूंगी कि तुम्हारा पाप एक शराबी था, शराबी था, शराबी था, शराबी था, शराबी था। मेरा पाप निर्दोष था। हाँ, सबको मार दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मां, मां बाहर आ जाओ, बहुत हो गया अभी ये चूहा बिल्ली का खेल। मां, लगता है दरवाजा अंदर से बंद है, जाओ जाकर खिड़की खोलो। तेरे पापा को भी हिसाब। नहीं, 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 मुझे हट के छोड़ो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ो। लेकिन अगले जन्म में सीधे खड़े रहो। इंस्पेक्टर साहब, इसे पकड़ लीजिए, ये मुझे मार डालेगा, इसे पकड़ लीजिए। छोड़ो मुझे।
खड़ा रह, वरना ये डंडा हलक में उतार दूंगा। ऐसा क्या किया था तुम्हारी माँ ने जो तुम इन्हें मारना चाहते हो? ये मेरी माँ नहीं है, हत्यारे इसने और इसके आशिक ने मिलकर मेरे निर्दोष पापा की जान ली है और इनका हिसाब मैं करके रहूंगा। मैं अपना गुनाह कबूल करती, मैंने नागेश से मिलकर अपने पति का कत्ल किया, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए जी, मैं गुनाहगार हूं। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता के हत्यारों को सजा देने का अधिकार सिर्फ कानून को है, और तुमने अपने हाथ में कानून लेकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ले चलो इन्हें, लेकर चलो, चलो, चलो।